हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8th के इंग्लिश के एडगेट अभ्यास पुस्तक के लेसन नंबर 7 को। इस लेसन का नाम है बच्चों वाटर वाटर एवरीवेयर। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए बच्चों चलते हैं सीधे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स की ओर। इस लेसन के बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है इट्स रनिंग कैट्स एंड डॉग्स मीन्स। तो ये जो वर्ड है बच्चों कैट्स एंड डॉग्स रनिंग, तो इसका मींस क्या है? इसका मींस होता है बच्चों इट इंडिकेट्स हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश को हम बोलते हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डायस्टर। इसमें से डायस्टर कौन क्या नहीं है? डायस्टर मींस होती है बच्चों कोई दुर्घटना। ठीक, एन एक्सीडेंट ये भी दुर्घटना है, आप फ्लूड मतलब बाढ़ ये भी दुर्घटना होती है, आप फायर मतलब आग लग जाना कहीं पर ये भी दुर्घटना होती है, लेकिन आप फेयर ये डाइस्टर नहीं है बच्चों, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है वो है आर द फ्लूड कॉज बाय नेचुरल फोर्सेज ओनली। क्या फ्लूड्स जो बाढ़ आती है वो सिर्फ है ना प्राकृतिक कारणों के कारण ही आती है क्या? इसका आंसर होगा नो, द फ्लूड्स आर नॉट कॉज बाय नेचुरल फोर्सेज ओनली। नहीं, केवल बाढ़ प्राकृतिक कारणों से ही नहीं, कुछ इंसानी यानी मानवीय कारणों से भी आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये है हु डिस्कस द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ फ्लूड्स विद द स्टूडेंट। स्टूडेंट्स से फ्लूड्स के बारे में, फ्लूड के दुष्प्रभावों के बारे में कौन डिस्कस कर रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा हेडमास्टर ऑफ अ ब्लेज स्कूल। ठीक है, जो विलेज स्कूल का जो हेडमास्टर थे वो फ्लूड्स के कॉजेज और इफ़ेक्ट्स के बारे में बातें कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 है ये है आर द फ्लूड कॉज बाय लाइट रेनफॉल और बाय हैवी रेनफॉल। जो फ्लूड्स आती है यानी बाढ़ आती है वो लाइट मतलब हल्की बारिश के कारण आती है कि बहुत ज़्यादा बारिश के कारण आती है? तो सबको पता है बच्चों कि वो हैवी बारिश के कारण आती है, द फ्लूड्स आर कॉज बाय हैवी रेनफॉल। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों ये है इनसर्कल द ऑड वर्ड एंड राइट। हमें ये यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हैं, इनमें जो अलग वर्ड है ठीक है उसे हमें इनसर्कल करना है, मतलब सर्कल में लिखना है और फिर उसे अपने आंसर में लिखना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों ये जो वर्ड्स दिए हैं हमें वो हैं, पहला है चोलेरा, दूसरा है मलेरिया, तीसरा है डायरिया, चौथा है इलनेस। तो ये सभी बीमारियों के नाम हैं, कोलेरा मलेरिया और डायरिया ये सब बीमारियों के नाम हैं बच्चों, लेकिन इलनेस क्या है? बीमारी होती है। ठीक है, इसे हम बीमारी कहते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा ऑड है, तो इसे हम अपने आंसर में लिख देंगे इलनेस। ठीक, जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है हाउ इज़ द डायस्टर हार्मफुल फॉर पीपल। जो डायस्टर है मतलब दुर्घटना है वो इंसान के लिए कैसे हार्मफुल है, नुकसानदायक कैसे हैं? तो सभी डायस्टर बच्चों इंसानों के लिए हार्मफुल होती हैं, तो उस कैसे कैसे हार्मफुल हो सकती हैं ये बताना है हमें। इसका आंसर देंगे देयर आर सेवरल ऑल इफेक्ट्स सच एज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, एपिडेमिक्स एंड कैन ऑल्सो अकर आफ्टर ए डायस्टर। तो इसमें बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान होता है बच्चों, तो ये इसके नुकसान है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों ये है हु ऑल्सो प्ले अ रोल इन द कॉजिंग फ्लूड्स। तो जो बाढ़ आती है उसमें इम्पोर्टेंट रोल कौन अदा करता है? तो आंसर होगा इसका वी ऑल्सो प्ले अ रोल इन कॉजिंग फ्लूड्स। हम भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, बाढ़ का कारण हम भी हैं बच्चों, कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे कि बाढ़ आती है। क्वेश्चन नंबर 9 है ये है कैन चिल्ड्रन गो नियर द रिवर टू सी द वाटर लेवल, इफ़ नो देन वाई। क्या बच्चों को पानी का स्तर देखने के लिए जाना चाहिए? अगर नहीं जाना चाहिए तो क्यों नहीं जाना चाहिए? तो इसका आंसर होगा नो, नेवर डू इट, इट इज़ रिस्की फॉर चिल्ड्रन। नहीं, कभी नहीं जाना चाहिए वाटर लेवल चेक करने के लिए, क्योंकि ये उनके लिए रिस्की हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों ये है राइट द होमोफोनेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो इसका मतलब ये राइमिंग वर्ड्स जैसे ही होते हैं, जैसे ईयर का हो जाएगा हेयर और वेदर का हो जाएगा वेदर। ठीक है, इनके प्रोनंसिएशन एक जैसा होता है लेकिन इनकी जो मीनिंग होती है वो डिफरेंट होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 है ये है हाउ टू डिसइंफेक्ट आवर हाउसेज आफ्टर द फ्लूड्स। तो हमें अपने हाउसेस को कैसे क्लीन करना चाहिए, मतलब कैसे साफ सफाई करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा उससे डिसइंफेक्शन हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाते हैं हमारे घर,
तो उसे डिसइनफेक्ट कैसे करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा स्प्रे सम बेस्टिसाइड्स लाइक DDT, लाइम वाटर, केरोसिन, फिनॉल etc इन एंड अराउंड आवर हाउसेस। हमें कुछ कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, ये है सपोज ए वॉचमैन इन्फॉर्म्स अस दैट द सिचुएशन ऑफ फ्लूड इज गेटिंग हॉर्स और अलार्मिंग, व्हाट शुड वी डू? मान लो कि एक वॉचमैन है जो कि हमें इन्फॉर्म करता है कि बाढ़ आने वाली है, उसके लिए वो अलार्म वगैरह बजाता है, अनाउंसमेंट करता है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर हम लेंगे वी शुड डू फॉलोइंग वर्ड्स। तो हमें कुछ काम ऐसे करना चाहिए जिससे कि हम उस बाढ़ से बच सकें। तो वो काम क्या है? पहला काम है बच्चों, फर्स्ट डोंट गेट पैनिक की इन एनी सरकमस्टेंसेस। हमें घबराना नहीं चाहिए, मतलब इस चीज़ से घबराना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। जो दूसरे हैं बच्चों, दूसरा वर्क है वो है इफ़ आवर हाउस इज़ डेंजर मूव आउट इमीडिएटली टू ए सेफ डिस्टेंस। अगर हमारा हाउस डेंजर में आ जाता है, खतरे में आ जाता है, तो वहाँ से मूव कर जाएँ, मतलब चले जाएँ, दूसरी जगह पर चले जाएँ। थर्ड है मूव टूवर्ड्स ए हायर प्लेस, और हमें ऐसी जगह पर जाना चाहिए जो कि ऊंचाई पे है, जैसे कोई पहाड़ है या फिर है ना कोई ऊंची बिल्डिंग है, ऐसी जगह पे हमें जाना चाहिए। फोर्थ है फ्री ऑल ऑफ कैटल्स एंड ट्राई टू टेक देम टू सेफर प्लेस, और हमारे पास जो हमारे पालतू जानवर हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी आदि, तो उन्हें हमें फ्री कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, उन्हें एक सेफर प्लेस पर, मतलब सुरक्षित स्थान पर लेके जाना चाहिए, नहीं तो वो खुद ही चले जाएंगे अगर हम उन्हें फ्री कर देंगे। तो फिफ्थ है ये टेक सम स्टेबल्स क्लोजर, टॉर्च और कैंडल्स, मैच बॉक्सेस एंड अदर इसेंशियल आइटम एंड लीव आवर हाउसेस फॉर ए सेफर प्लेस। तो हमारे जो काम की चीज़ें हैं उन्हें ले लेनी चाहिए, क्योंकि बाढ़ में ये चीज़ें, इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। ठीक है, तो बच्चों इसी क्वेश्चन के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।